किसान संग्राम समिति ने मणिपुर की घटना को लेकर सगड़ी तहसील पर प्रदर्शन कर दिया ज्ञापन। किसान संग्राम समिति उत्तर प्रदेश इकाई आजमगढ़ ने मणिपुर में महिलाओं के साथ हो रहे यौन उत्पीड़न के विरोध में प्रदर्शन व जमकर नारेबाजी की। मणिपुर में शांति स्थापित करने के संबंध में राष्ट्रपति महोदया को जिलाधिकारी सगड़ी के माध्यम से 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। इन मांगों में मणिपुर सहित पूरे देश में हो रहे राज्य प्रायोजित जातीय धार्मिक लैंगिक हिंसा व सांप्रदायिक नफरत राजनीति पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई। मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए मणिपुर मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों में सूबेदार यादव, दुखरन राम, राजकुमार यादव, रामाश्रय यादव, एडवोकेट अरविंद कुमार, तेज बहादुर, राहुल सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को सार्वजनिक रूप से नगर बंद बलात्कार कर उनकी हत्या करने जैसी जगह वो बर्बर घटना सरकार के मानव विरोधी नवीनतम उदाहरण है। ऐसे अपराधियों को सजा देने में मणिपुर में शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार की है, लेकिन वहाँ की सरकार ही अपराधियों को साथ खड़ी होकर उनका संरक्षण कर रही है। प्रधानमंत्री इस पूरे मामले इस्तीफा दो या डूब मरो।